YDSC में अगर आपके पास एक ग्लास स्लैब है तो उसमें क्या करना है, ये टॉपिक आपको बताता है। ऑप्टिकल पाथ की एप्लीकेशन है कि मान लो आपके पास दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज ने पाथ इक्वल ट्रेवल किया सेंटर तक, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम सेंटर पे आएगी, बात खत्म। पर क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा था दो सोर्सेज से, और आपने एक इसके रास्ते में एक ग्लास स्लैब को रख दिया, ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू। अब सेंटर पॉइंट पर इसने जितना रास्ता कवर किया, इसने उतना रास्ता कवर नहीं किया क्योंकि इसको तो वैक्यूम या एयर में जाना है और इसको रिफ्रैक्ट होते हुए जाना है, तो इसका डिस्टेंस इससे अलग होके आएगा। तो अगर इसका और इसका डिस्टेंस अलग है तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी नहीं, क्या होगी मालूम नहीं है, ठीक है यहाँ तक तो एटलीस्ट नॉर्मल केस तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, पाथ डिफरेंस होगा क्या ये देखें। एक चीज़ बताओ मुझे, इसने यहाँ पे कितना देखो टी टी थिकनेस है ग्लास स्लैब की, तो इस जो भी ये लाइट है उसने अगर वैक्यूम या एयर होती तो सीधा ट्रेवल करती टी डिस्टेंस कवर करती, पर अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है तो अलग ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कम इसलिए क्योंकि स्पीड स्लो हो जाएगी। तो वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा, म्यू इंटू टी। आप म्यू को टी से मल्टीप्लाई कर दो, हम मीडियम में तो काम करते हैं, हम सारे मीडियम को वैक्यूम बना लेते हैं, तो वैक्यूम को मुकाबले डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा म्यू इंटू टी। अब एक चीज़ देखें, आप ये बताएं कि यहाँ पर ग्लास स्लैब रखने से एक्स्ट्रा डिस्टेंस लाइट ने कितना ट्रेवल किया ऊपर, अगर सिर्फ वैक्यूम होता ग्लास स्लैब ना होती तो कितना डिस्टेंस कवर करना था टी, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया म्यू इंटू टी, तो एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ म्यू टी माइनस टी, म्यू माइनस वन इंटू टी। अब सोचें ग्लास स्लैब अगर वैक्यूम होता तो म्यू क्या होता वैक्यूम का मान, तो वन में से वन गया जीरो, तो कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर नहीं होना था। तो ये डिस्टेंस कौन सा आया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया जो वेव ने ट्रेवल लाइट ने ट्रेवल करना है बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक हो गया। अब इसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, आपको याद होगा कि अगर दो सोर्सेज से एक पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हमने बाइनोमियल लगा के YDSC में किया था, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था एक्स मल्टीप्लाई कैपिटल टी, लेकिन ये तब है जब कोई ग्लास स्लैब नहीं है, एयर ही एयर है। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कब फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं विदाउट स्लैब, ये फॉर्मूला है। एक्स का मतलब उस पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपके पास एक्स आ गया, एक्स आ गया। लेकिन यहाँ पर तो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब ने क्या किया डेल्टा एक्स डिस्टेंस तो कवर करना ही करना है उसने, अगर ग्लास स्लैब ना होती एक्स्ट्रा कितनी दूरी कवर की वेव ने, इतनी जो हमने शुरू में निकाली, तो नया पाथ डिफरेंस ये तो होगा ही होगा ये भी होगा। तो अगर पहले पी पॉइंट की दूरी जहां पर पाथ डिफरेंस इतना है वो मान लो एक्स थी, अब दूरी बढ़ जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया तो दूरी बढ़ जाएगी, कितनी दूरी बढ़ जाएगी एक्स डैश में से एक्स को माइनस करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस फॉर्मूले के अंदर जो बीटा होता है बीटा फ्रिंज विड्थ वो क्या होती है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की रेशियो क्या आएगी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आएगा आपके पास बीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो यहां पर बीटा बाय लैम्डा आ जाएगा, ठीक। मतलब जहां पर जो पैटर्न एक्स डिस्टेंस पे बनता था अब वो थोड़ा ऊपर बनेगा, कहाँ बनेगा एक्स डैश पे बनेगा, और जब मैंने माइनस किया तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऊपर बनेगा इतना डिस्टेंस ऊपर बनेगा, राइट क्लियर। तो यानी कि पूरी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, जहां ग्लास स्लैब है ग्लास स्लैब यहां पर है, पूरा पैटर्न ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक एक पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा इतनी डिस्टेंस से। तो आप फॉर्मूला बुकलेट में ये प्रूफ नहीं करेंगे, जरूरत नहीं आपको प्रूफ की, फॉर्मूला बुकलेट में सीधा फॉर्मूला नोट करेंगे डायग्राम के साथ कि अगर यहाँ ग्लास स्लैब है टी थिकनेस की तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता है हर फ्रिंज का इतने डिस्टेंस से। तो अगर यूज करना होगा ये फॉर्मूला ही यूज करने के बाद ही खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये फॉर्मूले की एडवांटेज समझ में आ रही है क्या फॉर्मूला है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना आंसर आएगा, प्रूफ की आपको जरूरत नहीं, प्रूफ सिर्फ आपके लिए बताया कि कैसे ये पैटर्न ऊपर शिफ्ट होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में हो सकता है आपको दो ग्लास स्लैब्स आ जाएं, वो देखेंगे तब कि तब क्या करना है, तो आपको ऑप्टिकल पाथ से एक्स्ट्रा पाथ ये भी निकालना है एक्स्ट्रा पाथ ये भी निकालना है, फिर दोनों को माइनस करना है ताकि आप क्या कैलकुलेट कर सकें पाथ का डिफरेंस, वो तब देखेंगे कॉम्पिटिशन में, पर आपको निकालना कैसे समझ में आ रहा है ऑप्टिकल पाथ से, ठीक है। फॉर्मूला नोट करें,